स्टॉक वैल्यूएशन या क्लोथिंग स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं? तीन तरह के स्टॉक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का और फिनिश्ड गुड्स। ओके, अब इसका जरा रूल पे बात कर लेते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के। तो बेसिक रूल क्या है आपका, यानी कि इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल। ये इसका बेसिक रूल है कि स्टॉक का अपने वैल्यू किसके करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी कि आपका जो भी क्लोथिंग स्टॉक है, पहले आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों में से जो लोअर होगी उस पर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाए। अच्छा, अब ये होते क्या है, इस पर बात करते हैं रूल पे डिटेल में। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, उसको बनाने में या खरीदने में कितना खर्चा हुआ, वो हो गई आपकी कॉस्ट। अच्छा, ये एनआरवी क्या होती है? पहले इस पर बात करते हैं, फिर हम उस रूल पर आएंगे कि ये लोअर पे क्यों रिकॉर्ड कर रहा है, हायर पे क्यों नहीं रिकॉर्ड। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री तो हो गई कि आपने उसको मैन्युफैक्चर करने में या परचेज करने में जो आपकी कॉस्ट इनकर हो रही है, वो तो आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो। अभी एनआरवी क्या होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इस रूल पे कि लोअर पे क्यों रिकॉर्ड करना है, हायर पे क्यों नहीं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या क्या जाता है, देखिए क्या होती है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इन ब्रिंगिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड इसमें क्या क्या आ सकता है, परचेज प्राइस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस फ्री डिस्काउंट कर देंगे, ये आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब ये एनआरवी क्या होती है, क्या बात कर रहे थे, एनआरवी होती है, एनआरवी क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन एंड मार्केटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप कहेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। देखिए आपकी सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट, उसकी एक सेलिंग प्राइस होती है, उसको अगर सेल करने पे कुछ आपको एक्सपेंडिचर कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ रही है, जैसे कि अपने स्टॉक आपका था रखे रखे आउटडेटेड हो गया, तो उसको सेल करने के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा आउटडेटेड ही आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसको सेल करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। या आपका स्टॉक रखे रखे कुछ डैमेज हो गया, उसको सेल करने के लिए उसको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट आएगी। इसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट हो सकती है आपकी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह किसी, हो सकता है किसी एजेंट के थ्रू आप सेल करना पड़े आपको, उसको आप कमीशन देंगे, इससे आपके मार्केटिंग सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आ सकती है ना। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गए या किसी एजेंट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो उसको कमीशन देंगे, या अगर आपने खुद डिलीवर करके आ रहे हैं तो उसका आपकी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंटर होगी। अच्छा, अब आपके प्रोडक्ट पे फर्ज करें 1000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, क्या आपके एक प्रोडक्ट है, इसका एक एग्जांपल था आपको समझा। तो हम बात करते हैं जरा अभी, अब देखिए दो एग्जांपल्स हैं, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट है 800, ठीक है, आपने और इसकी सेलिंग प्राइस है 1000, तो इसको रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन पे आपकी कॉस्ट आ रही है 200। अब ओके, अच्छा, ये क्लोथिंग स्टॉक है जिसकी कॉस्ट है आपके 800 और इसकी सेलिंग प्राइस है 1000
और लेकिन ये स्टॉक आपका रखे रखे या तो डैमेज हो गया या आउटडेटेड हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसपे आपने रिपेयरिंग या मॉडिफिकेशन कॉस्ट आपकी आ रही है 200, जिसके बाद वो सेल हो। इसके अलावा आपके सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग वगैरह आ गई 100 के। अच्छा देखिए सेल कितने का होगा 1000 में, फिर आपको कितने मिलेंगे 700 भी मिलेंगे ना, तो आपको क्या अमाउंट रियलाइज होगा 700। तो ये कहलाएगी आपकी नेट रियलाइजेबल। कहने को वो सेल कर रहे हैं 1000 में, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है उसके बाद ये सेल हो रहे हैं, आपकी जेब पे कितने आएंगे 700। तो ये कहलाएगी आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब देखिए इसकी कॉस्ट कितनी है 800, एनआरवी कितनी है 700। तो एज पर रूल क्लोजिंग स्टॉक हम कितने पे रिकॉर्ड करेंगे 700 पे, लोअर पे रिकॉर्ड हो हायर पे नहीं। अच्छा इसी तरफ सेकेंड एग्जाम्पल पर आए, यहाँ पे कॉस्ट है हमारी 800, सेलिंग प्राइस 1200, उसके बाद ये रिपेयरिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, एनआरवी कितनी आ रही है 900। अब कॉस्ट है 800, एनआरवी 900, लोअर क्या है इसमें 800 लोअर है, तो इस यहाँ पे हम स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट यानी 800। तो ये तो बात हो गई रूल की कि आपने कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, दोनों में से जो लोअर है उसका अपना स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे क्लोथिंग स्टॉक पे। क्लोथिंग स्टॉक हमेशा लोअर पे रिकॉर्ड। अच्छा इसके रीजन क्या है लोअर पे रिकॉर्ड करने की, लोअर पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हायर पे क्यों नहीं, कोई आइडिया? लोअर पे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं हायर पे क्यों नहीं? अच्छा देखिए एग्जाम्पल वन में देखिए, पहले एग्जाम्पल में कॉस्ट 800 है, एनआरवी कितनी है, तो जब ये प्रोडक्ट सेल होगी उसमें आपको प्रॉफिट होगा या लॉस कितने का 100 रुपए का लॉस। सेकेंड एग्जाम्पल में बताएं, जब ये प्रोडक्ट सेल होगी तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा ना सेकेंड। नहीं किसकी बात कर, 800 कॉस्ट है, एनआरवी कितनी है, तो इसमें आपको 100 का प्रॉफिट होगा ना, जब ये प्रोडक्ट स्टॉक आपका सेल होगा, जब ये सेल होगा उसकी बात हो रही है, अभी की बात नहीं कर रहा, सेल करेंगे। जब ये सेल होगा तो उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? होगा ना। ठीक पहले एग्जाम्पल में क्या आपको यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस एक्सपेक्टेड है कि जब ये प्रोडक्ट सेल होगी तो आपको 100 का लॉस होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में ये प्रोडक्ट जब सेल होगी तो आपको 100 का प्रॉफिट। अच्छा अब हम एक लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, तो उसको फेयर रिकॉर्ड कर लेना बेहतर है या वेट करें पहले रिकॉर्ड कर ले, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करना चाहिए, क्यों वजह गेन ना हो और लॉस ना हो? ठीक है तो सारी प्लानिंग आपकी चौपट हो जाएगी फिर, नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर प्लानिंग सारी खराब, और इधर प्लानिंग करेंगे नहीं प्रॉफिट हो जाएगा तो बाद में कर सकते हैं। ठीक है अच्छा ये भी सही है, क्योंकि प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे तो उसकी बेस पे तो आप प्लानिंग अपनी कर लेंगे आगे की, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो खराब हो जाएगी प्लानिंग। सही है, जैसे वो चेक चिल्ली का किस्सा याद है सुनाया था मैंने अंडे वाला, तो वो सारी उसी बेस पे प्लानिंग हो रही होती है ना, पैसे मिलेंगे तो पैसे से ये करेंगे में कुछ भी नहीं। अच्छा इसके ऊपर एक अकाउंटिंग रूल है, अब ये लोअर पे क्यों ले रहे हैं हायर पे क्यों नहीं, तो उसके ऊपर अकाउंटिंग रूल है। रूल ये कहता है अकाउंटिंग का कि अगर आप फ्यूचर में लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करें, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना। और इसे हम कहते हैं रूल को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देखिए वर्ड एक बिजनेस है, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा अब आप क्या देखेंगे, अब आपने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, अच्छा उसमें पता चला कि प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ बिजनेस को, बिजनेस के एसेट बहुत ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बिजनेस है जिसकी आप इनकम देखेंगे ना, इनकम कितनी है। अच्छा इनकम अगर जैसे दो बिजनेस है, एक की इनकम ज्यादा है, एक की इनकम, एक का प्रॉफिट ज्यादा है दूसरे का,
एक के एसेट ज्यादा है, दूसरे के काम, एक के लाइबिलिटीज कम है दूसरे की ज्यादा, तो पहले वाले में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है, एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा जिसमें इनकम कम है, प्रॉफिट कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम या लॉस में जा रहा है, या आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है कंपेरेटिवली, तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे? नहीं। तो अगर एक बिजनेस है जो अपनी इनकम को ओवर स्टेट करके रिकॉर्ड करे, अपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर दे, तो लाइबिलिटीज को कम करके दिखाए, एक्सपेंसेस को कम करके दिखाए, अंडर स्टेट, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस और पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा? बेहतर लगेगी अगर आप अपने इनकम को ओवर स्टेट कर दें। ओवर स्टेट करके रिकॉर्ड करें, एसेट्स को आप ओवर स्टेट करके रिकॉर्ड करें, एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट कर दें, लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट कर, इससे आपकी परफॉर्मेंस पोजीशन कैसी दिखेगी, अच्छी या खराब? अच्छी दिखेगी कि इनकम ज्यादा है, एसेट ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम, लाइबिलिटी कम, और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी फिर, और पता चला कि बाद में ऐसा नहीं था तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आपकी डूब जाए, ऐसे ही होगा। इसलिए ये रूल बनाया गया है, ये रूल ये इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और वो रूल ये कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके एसेट्स और इनकम ओवर स्टेट नहीं होने चाहिए, और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस अंडर स्टेट नहीं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर कोई लॉ गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड गेन है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा जब तक कि वो रियलाइज ना हो जाए, क्योंकि अभी रिकॉर्ड कर लेंगे दोस्तों आपकी इनकम ओवर स्टेट हो जाएगी, और बाद में वो रियलाइज नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहले रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि आपके एक्सपेंसेस अंडर स्टेट ना हो। ठीक, बाद में लॉस हो गया तो खैर है, और लॉस नहीं हुआ तो वो रिवर्स हो जाएगा, तो वो पोजीशन आपकी बेहतर। अच्छा, तो ये रीजन है लोअर पे रिकॉर्ड करने की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये है, क्या लिखा, इन कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब जब अनसर्टेनिटी आपको भी कंफर्म नहीं है कि प्रॉफिट होगा या गेन, अ कॉशियस अप्रोच शुड बी टेकन सो दैट गेन्स एंड एसेट्स आर नॉट ओवर स्टेटेड, गेन और एसेट ओवर स्टेट ना हो, एंड लॉसेस एंड लाइबिलिटीज आर नॉट अंडर स्टेट, इस बात का आपको ख्याल रखना। इसलिए आप करते हैं हम कि एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकग्नाइज इमीजिएटली, whereas anticipated gains should not be recognized until they are there. तो ये रीजन है लोअर पे रिकॉर्ड करने की, कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करेंगे, और गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज तो रीड कर लें। तो रिपीट करने का ये चीज आपको समझ में, तो ये तो हो गया आपका एंट्री, हो गए आगे चीज आ गई, तो ये इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल हो गया। अभी समझ में आ गया ना, इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल, और इसके रीजन क्या है लोअर पे रिकॉर्ड करने की, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये तो बता, लोअर पे रिकॉर्ड करने की रीजन क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड करेंगे, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करेंगे जब तक कि वो रियलाइज ना। अच्छा, परचेज प्राइस, कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है, परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। और एनआरवी क्या होती है, एनआरवी किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कुछ इस तरह सेलिंग प्राइस में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। ये तो हो गए आपकी कॉस्ट और एनआरवी, और अब इसकी जो रीजन है लोअर पे रिकॉर्ड करने की वो क्या है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कि लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फॉरन रिकॉर्ड कर लें, गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वेट करें जब तक कि वो रियलाइज ना।
ये पॉइंट क्लियर है, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे ठीक। अभी इसकी एग्जाम्पल आ गई, पहले एग्जाम्पल में कॉस्ट ज्यादा है एनआरवी का, स्टॉक हम रिकॉर्ड कितने पे करेंगे 700 पे। सेकेंड एग्जाम्पल में कॉस्ट कम है एनआरवी ज्यादा है, यानी कि यहाँ गेन एक्सपेक्टेड है, स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे 800 पे लोअर। ये जो एनआरवी है इसको मैंने यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया। एनआरवी क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक एक शॉर्ट टर्म पिक्चर। अच्छा ये बताएं, एक चीज, अब जो एनआरवी हम कैलकुलेट करेंगे, एनआरवी तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी थी, एनआरवी तो हमेशा इसी तरह कैलकुलेट होगी इस फॉर्मूले से, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू मेक सेल। अच्छा जो क्लोथिंग स्टॉक होगा हमारा, उसकी कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करते हैं? क्लोथिंग स्टॉक जो बचेगा एंड पे, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे फर्नीचर का बिजनेस है, ये चेयर्स हमारे पास बच गई ईयर एंड पर, इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगी? नहीं। अच्छा ये जो आपने पढ़ा था फिफो लिफो एफको, ये क्या थे? ये क्या होता है? ये मेथड है इन्वेंटरी वैल्यूएशन के, ठीक है? तो ये आपके इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड है, फीफो लेफो और एफओ। अच्छा इससे जो आप इन्वेंटरी कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू आपके पास आती है वो क्या होती है? कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस होती है, प्रॉफिट होता है, क्या होता है? इन मेथड से जो आप स्टॉक कैलकुलेट करते हैं ना, क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग ही कैलकुलेट होता है ना, तो वो जो क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू आती है वो क्या होती है? उसकी कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्ट होती है, इस मेथड से जो स्टॉक निकलता है आखिर में, उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट होती है ना, बिल्कुल सही। तो इन मेथड से जो आप स्टॉक कैलकुलेट करते हैं तो उससे आपको कॉस्ट, तो क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट तो हम इन तीन मेथड्स में से किसी भी एक को यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? फीफो लिफो और एफ, यहां से हमें मिलेगी कॉस्ट क्लोथिंग स्टॉक की, और इस फॉर्मूले से हम एनआरवी कैलकुलेट कर लेंगे, और उन दोनों में जो लोअर होगा उस पर अपना स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा मेथड का बता दो, आपने एमए में पढ़े होंगे तीन मेथड, नहीं तीनों, फिर इसमें आपने वो सिस्टम पढ़ा होगा पीरियोडिक और परपेचुअल। तो पीरियोडिक में क्या होता है, परपीचुअल में क्या होता है? परपीचुअल बताएंगे, कंटिन्यूअस चल रहा होता है ना, डेट वाइज बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, कंटिन्यूअस आप इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो। और पीरियोडिक में क्या होता है? मंथ एंड होता है, अब वो क्वार्टर उस मंथ एंड मतलब पीरियड एंड होता है, मंथ एंड नहीं पीरियड एंड, अब वो 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, 6 मंथ भी हो सकते हैं, 1 ईयर भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर पीरियड एंड पर हम अपने स्टॉक को वैल्यू, जैसे अगर क्वार्टरली कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ्स के बाद स्टॉक वैल्यू करेंगे, फिर 3 मंथ्स के बाद, फिर 3 मंथ्स के बाद, ऐसा पीरियोडिक के लिए वो कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा अब इसमें मेथड्स को बता दो, यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल में, तो यहाँ अब यूज होंगे दो मैथड्स, डीफो और एफ। डीफो मैथड यूज नहीं होता, वो ऑब्सोलीट। अच्छा एमए में यूज होता है, यहाँ पे एफए में यूज नहीं होगा, क्योंकि एक चीज यहाँ पे होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एक चीज होती है, आपने नाम सुना होगा आईएएस, देखो वहां लिखा हुआ है IAS 2। आईएएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है पता नहीं है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? और ये उसका नंबर है 2, स्टार्ट ये 1 से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ऑनवर्ड चलते हैं। अच्छा ये क्या है, आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? यानी कि हर टॉपिक पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो कि इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, यानी कि किसी भी कंट्री में चले जाए, जहां भी जाके अकाउंटिंग पढ़ेंगे आपको सेम स्टैंडर्ड सेम रूल्स फॉलो होते मिले, ठीक। अच्छा तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड आईएसआई इसका नंबर है 2। ये जो हमने बात की, जैसे इन्वेंट्री क्या होती है, रूल क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, एनआरवी क्या होती है, ये
सब हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 2, ये सब चीजें उसमें लिखी हुई, ठीक है। प्रॉपर IS हम पढ़ेंगे S3 में जाकर, 4-5 IS हम वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ उसी के क्वांटिटीज। ये जो सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ये रूल्स हमने पढ़ा है, ये सब हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू IS 2। इस तरह हर टॉपिक से रिलेटेड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस मेंशन है, किस चीज को आपने कैसे रिकॉर्ड करना है, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना, ये सारी चीज। तो चलो IS 2 के मुताबिक क्या है, अब ये जो मेथड है ना, आपसे दो मेथड यूज होंगे अकॉर्डिंग टू IS 2, लिफो और एम। लिफो मेथड खत्म कर दिया गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। MA आपकी है कॉस्ट अकाउंटिंग, उस पर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता, उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो वहाँ आपकी मर्जी है कोई भी मेथड यूज कर ले। लेकिन अकाउंटिंग में हमें IS को फॉलो करना होता है, तो अकॉर्डिंग टू IS दो मेथड यूज होंगे, FIFO और एफ को, लिफो मेथड यूज नहीं होता, खत्म हो गया, कई साल पहले खत्म कर। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, ये मेथड खत्म क्यों हुआ, ये दो क्यों नहीं खत्म हुए, इसके रीजन बता देता हूँ इसको खत्म कर। अभी एक एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं रीजन में। 1000 यूनिट्स बाय किया आपने 10 के रेट पर, फिर 1200 यूनिट्स बाय किए 12 के रेट पे, फिर 1500 यूनिट्स बाय किए 30 के, टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 3700 टोटल हो गए। इसमें से हमने 3000 यूनिट्स सोल्ड कर दिए और ईयर एंड पे स्टॉक बचा 700 यूनिट्स। अभी 700 यूनिट्स के हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, क्लोथिंग स्टॉक। तो फीफो मेथड से कैलकुलेट करें, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका रेट कौन सा लगेगा इसमें, 13 वाला लास्ट वाला ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आखिर का रेट बच गया। 700 को मल्टीप्लाई किया 13 से, कॉस्ट आ गई आपकी 9100। ये आ गया क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट 9100 फीफो में। एफको में छोड़ देते हैं, लिफो में अगर लिफो से कैलकुलेट करें तो रेट क्या लेंगे, 10 का लगेगा पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सेल हो गया, सेल ये बचेंगे ना, पहला रेट लग जाएगा 10 का, स्टॉक कितना आ गया 7000। तो लीफो मेथड के मुताबिक क्लोथिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ रही है, 7000। अच्छा, एफको में एक एवरेज आ जाएगा ना, मैंने कैलकुलेटिंग किया हुआ, इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होगी, 9000 से कम होगी, 7000 से एवरेज आ जाएगा। अच्छा, देखिए इसमें लीफो मेथड खत्म क्यों, उसके रीजन क्या है। अगर फीफो से आप स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, ये जो 9100 आपकी कॉस्ट आ रही है, ये करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन करंट रेट क्या था, 13 का था लास्ट रेट हमारा कल। तो लिफो मेथड से जो आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेट होगी, वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रही है, कैश पर करंट मार्केट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9000, ये सही है। अच्छा, इस पर लिफो में क्या है, 7000 कॉस्ट आ रही है, ये क्या शो कर रहा है, पुराना रेट, ये वो स्टार्टिंग का रेट जनवरी फरवरी का रेट। इससे जो आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, वो आपको करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये तो आउटडेटेड स्टॉक दे रहा है ना, कि वो जो जनवरी फरवरी का रेट था ईयर स्टार्ट पे, उसके मुताबिक स्टॉक कितना। इससे जो आप लिफो से स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं करता, अपडेटेड स्टॉक नहीं बताता है, इसलिए ये मेथड अब यूज नहीं किया। लिफो बेस्ट हो गया, किससे आप जो स्टॉक कैलकुलेट करेंगे वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कैश पर करंट मार्केट वैल्यू स्टॉक कितना है, अपडेटेड दे रहा है, तो ये बेहतर हुआ, ये बेहतर, लिफो बेहतर हुआ ना, तो इसीलिए जो है लिफो मेथड खत्म हो। अच्छा, एवरेज यूज हो रहा है, क्योंकि इससे जो स्टॉक कैलकुलेट होगा वो ना तो बिल्कुल अपडेटेड स्टॉक देगा आपको कॉस्ट, ना बिल्कुल आउटडेटेड, इसलिए फिर भी एक एक्सेप्टेबल है। तो बेस्ट कौन सा है, इससे जो आप स्टॉक कैलकुलेट करेंगे वो करंट मार्केट वैल्यू को रिफ्लेक्ट करें, तो ये सबसे बेहतर है, और ये कि एक्सेप्टेबल हो गया, बेहतर है, क्योंकि बेस्ट ही हो गया, ये बेटर कह लें, और ये तो बिल्कुल बेकार, इसलिए लिफो मेथड यूज नहीं करते, ये बिल्कुल आपको आउटडेटेड स्टॉक दिखा रहा है, ये रीजन है।
अच्छा एक चीज और बता दूं, देखिए अभी है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सीक्वेंस होता है ना, सेल कैसे कर रहे हैं। अच्छा तो क्या एग्जैक्ट आप बता सकते हैं कि क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है किसी बिजनेस में, एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, पॉसिबल है? जैसे बात करें फर्नीचर की, बात कर लेते हैं, फर्नीचर शॉप है हमारी, चेयर्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, टेबल्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, क्या एग्जैक्ट आप बता सकते हैं प्रैक्टिकली सीक्वेंस फॉलो हो सकता है, ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली अगर बात करें? देखिए सारी चेयर सिमिलर है, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी पहले आई थी, कौन सी पहले सेल हुई, कौन सी बाद में आई। अच्छा कोई सीक्वेंस बना सकते हैं रखने का, पहले स्टॉक इधर आएगा, बाद वाला इधर आएगा, फिर सेल ऐसे करेंगे, या इस गेट से एंट्री होगी, इस वाले गेट से एग्जिट होगा, इस तरह कुछ हो सकता है? ये हो सकता है लेकिन मुश्किल काम। हाँ क्या आप एक गेट से परचेज करके ला रहे हैं और सामने वाले गेट से उसको सेल कर रहे हैं कुछ इस तरह का, तब तो फीफो हो सकता है ना। और अगर एक ही गेट है, यहीं से इन हुआ यहीं से आउट, तो फिर क्या हो जाएगा, लीफो? ऐसे होगा ना, पहला स्टॉक इधर आया, दूसरा आगे, तीसरा आगे, चौथा, तो आगे वाला सबसे पहले चले जाएंगे। तो प्रैक्टिकली इस चीज को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जैसे दुकान की छोटी शॉप की बात करें, एक मोबाइल शॉप है, फुटकर एक मोबाइल शॉप है आपकी, हर मोबाइल के आपने 10 पीस रखे हुए, हर मॉडल के 10 पीस आपके शेल्फ में रखे हुए लाइन, ठीक है, 10 एक मॉडल, 10 के दूसरा 10, ठीक। एक कस्टमर आया, आपने एक बॉक्स उठाया उसको दिखाया, कस्टमर ने मोबाइल नहीं लिया, चला गया, वापस रख दिया, आपने सीक्वेंस फॉलो करेंगे? हो सकता है सीक्वेंस फॉलो, बुक शॉप है 10 10 की बुक्स रखी हुई आपने, 10 बुक्स एक सब्जेक्ट की, 10 दूसरी, 10 F1 F2 F3 की, एक बुक निकाल के कस्टमर को दी, अगर वापस रखेंगे सीक्वेंस फॉलो होगा? या 2 बुक्स आपने सेल कर दी, 4 बुक सेल कर दी, वहां से आपने 5 परचेज कर ली, सीक्वेंस फॉलो होगा रखने में? शेल्फ के अंदर आप सीक्वेंस पे लगा सकते हैं, पॉसिबल है? क्या जरूरत है, तो फॉलो जरूरत क्या है ये बताएं, प्रैक्टिकली जरूरत क्या है, क्या जरूरत? FA1 की बुक्स है, 10 बुक्स आपने रखी हुई है, 5 आपने सेल कर दी, 5 नई परचेज की, तो इसको ऑर्डर में रखेंगे, ये पहले वाले इसको आगे रखो, ये नई वाली पीछे रखो, प्राइस तो भी मसला नहीं है, वो नई भी महंगी हो जाती है फिर, तो पुरानी भी महंगी हो जाती है, टैग नया स्टिकर लग जाता है, पुराना हो रहा है, तो सीक्वेंस फॉलो करना बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल, ठीक है, बहुत मुश्किल है। आप सीक्वेंस जैसा, अच्छा पेट्रोल पंप की बात करें, पेट्रोल पंप टैंकर आता है पेट्रोल लेके, उसके टैंक में पेट्रोल डलता है, तेल होता है, तो टैंकर आ सीक्वेंस फॉलो हो सकता है, पेट्रोल तो मिक्स हो गया तो उसमें कैसे फॉलो होगा, पुराना पेट्रोल पहले बेचना है नया बाद में बेचना है, नहीं हो सकता ना प्रैक्टिकली, ये चीज बहुत मुश्किल। तो असल में अब ये जो बताने का मकसद क्या होता है, ये चीज के प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल होता है, ये चीज आप फॉलो नहीं कर सकते, इसको मेक श्योर नहीं कर सकते क्या चल रहा है ना। अच्छा जब एक चीज आप कंफर्म आपको ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, एजम्पशन लेते, फिर हम एज्यूम करते हैं ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसे ही होता है। तो असल में ये जो मेथड है ना, ये तीन, ये एजम्पशन है हमारे, तीन एजम्पशन है, जब हम एग्जैक्ट हमें पैटर्न नहीं पाते तो फिर हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर वो तीन एजम्पशन लिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, शायद हमने पहले खरीदा पहले बेच दिया, नहीं जो बाद में लिया था वो पहले बेच, हमने कहा सब पहले बात छोड़ा एवरेज निकाल लो। तो असल में ये तीन जो मेथड्स है, ये तीन एजम्पशंस के नाम, ये एजम्पशंस है, उन्हीं एजम्पशंस को हमने मेथड्स का नाम, ये तीन असल में क्या है एजम्पशन, हम ये एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम ये अज्यूम कर लेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हम ये अज्यूम कर लेंगे यार कुछ भी नहीं एवरेज लगा। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हैं, अब जो पहले आएगा उसको पहले पास होना चाहिए है ना, और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में पास होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तब आगे भी जो हो जाता है कुछ नहीं पता, पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ आपने पहले एडमिशन लिया था, आप पहले पास होंगे इसीलिए आप बाद में पास होंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं पास। तो हर बिजनेस में ये चीज बहुत
मुश्किल। जैसे जनरल स्टोर की बात करें, चावल वाला है वो फॉलो कर सकता है, पहले जो चावल लिया था पहले बेचेंगे, बाद में जो खरीदा बाद में बेचेंगे, सब मिक्स हो जाता है ना। लेकिन अगर उसको बहुत मुश्किल स्टोर कर ले, बोरिया का सीक्वेंस कहाँ याद रहेगा, जहां से हाथ लगा उठा लेंगे आप। तो इसके हम क्या था, ठीक है, तो ये बात बताने का मतलब ये था कि ये जो मेथड्स है असल में ये तीन एजम्पशन, तो ये तीन देखिए आइटम बेकरी आइटम लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। बेकरी आइटम क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही होगा ना। आज आपने ब्रेड लेकर आए, दो ब्रेड बच गई, कल 10 और लाए, तो पहले कौन सी बेचेंगे, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हुआ ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ना पुराना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में पुराना माल पहले जाता है। आज आपने 10 ब्रेड बनाई, सुन ले इधर, 10 ब्रेड बनाई आपने, 8 सेल हो गए, 2 बज गई, कल आपने 10 ब्रेड और बनाई, पहले कौन सी बेचेंगे, दो बेचेंगे ना। हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर, ठीक है, तो फर्स्ट इन वो पुरानी वाली पहले बेचेंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, लास्ट इन कहाँ से हो, लास्ट इन का तो मतलब ये हो गया फ्रेश वाली पहले बेचें, बासी जो है बाद में बेचें, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट तो ये होगा ना, कि कल वाली तो बच गए थे उसको पीछे रख दे, आज की जो फ्रेश है उसको आगे रख होता है जो बात दे। हाँ सही है, बाद में बेचते, ये होता है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, आप एग्जाम्पल दें अपनी, क्या कह रहे थे आप, बोला समझाता हूँ, पूछ ले, क्लियर करें, वही बात मैं कर रहा हूँ जो वहां पढ़ी है, गलत उलट, कर फीफो क्या ये रहे बताए, और बाद वाला, बाद में ब्रेड के ऊपर आ जाए अप्लाई करें इसको, आप बताएं, बातें नहीं, हाँ ब्रेड पे अप्लाई करें, आज आपने 10 ब्रेड बनाई, बेकरी आपकी, 8 ब्रेड सेल हो गए, 2 बज गए, ठीक है, कल क्या होगा, कल आप 10 और बनाएंगे, ठीक, 8 बनाएंगे, चलिए दो ही मिला के अभी क्या करेंगे, बेचेंगे, सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा, पहले कौन सी बेचेंगे, पहले कौन सी बेचेंगे, नहीं भाई नहीं बेचेंगे क्यों, बातें नहीं करें आप लोग, आज आपने 10 ब्रेड बनाए, 8 सेल हो गए, 2 बज गए, आपने बेकरी बंद की, घर चले गए, कल सुबह आपने बेकरी खोली अपनी, आपने 8 ब्रेड बनाई, और 2 कल की थी, 10 हो गई, फिर अब पहले कौन सी बेचेंगे, कल वाली या आज वाली, कल वाली पहले बेचेंगे ना, बची हुई वो बेचेंगे, फिर जो नई बनाई वो बेचेंगे, तो कौन सा हाँ सीक्वेंस फॉलो होगा, फीफो हुआ ना, जो कल थी वो पहले गई, फीफो हुआ ना, सही ठीक है, उसको जोड़े भी हम बात कर रहे हैं, वो जरा समझ लो पहले, हाँ ये क्लियर हो गया पॉइंट, अच्छा अगर लीफो अप्लाई करें इसमें, तो है ठीक आज का जो फ्रेश बनेगा वो पहले बेचेंगे, कल की बची को रख देंगे वहां, सही है, आप क्लियर हो गया, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपने, यही एमए में पढ़ा था, ठीक है, हाँ बातें नहीं करें आप लोग, जवेरिया तो बस, अब ये क्लियर हो गया, है ओके जो एमए में था वो यहाँ पर, कंफ्यूजन दूर हो गई, ठीक है, अब आप बोले क्या कर रहे थे, शॉप पे तो ब्रेड चाहिए जो पानी तो नहीं उसकी कोशिश ये होती है पुरानी बिल, वापस चाहिए एक दिन बाद नहीं होती, वो पता है क्या होता है, उसमें भी वो करते हैं होशियारी, क्वेश्चन नंबर वन, कैलकुलेट द करेक्ट टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, अब ये चार आइटम्स ही हैं हमें एबीसीडी, इनकी कॉस्ट है, आगे नोट में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इसकी हमें वैल्यूएशन करनी है, ठीक, तो टेबल बना लेते हैं इसके लिए, अपने FD 142, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर
आइटम्स की। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं। आइटम ए की कॉस्ट कितनी है? 2000। इसकी एनआरवी क्या होगी? अब आगे क्या लिखता है? आइटम टू बी सोल्ड फॉर 3500, नो अदर कॉस्ट आर एंटिसिपेटेड। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 3500, कोई फर्दर कॉस्ट नहीं है, तो यही इसकी एनआरवी हो जाएगी। यानी कि 3500 नो फर्दर कॉस्ट, एनआरवी क्या होगी? 3500। अच्छा, अब इन दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट लोअर है, जैसे हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे, यानी 2000 क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू होगा 2000। आइटम बी की कॉस्ट है 500। आइटम टू बी सोल्ड फॉर 600 और सेलिंग कॉस्ट विल बी 50 एंड अ 10% ट्रेड डिस्काउंट नीड्स टू बी गिवन ऑन द सेलिंग प्राइस टू सेल द आइटम। अब ये दोनों माइनस होंगे, 50 और 10% ना। तो सेलिंग प्राइस है 600, इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट है 60 बनेगा, और सेलिंग एक्सपेंस कितने? 50 माइनस करते हैं, कितने बच गए? 490। 490 हो गई आपकी एनआरवी। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 500, एनआरवी 450। तो लोअर क्या है इसमें? एनआरवी लोअर है, तो इसको हम वैल्यू करेंगे एनआरबी। आइटम बी वैल्यू होगा एनआरबी। आइटम सी की कॉस्ट है 1500, सेलिंग प्राइस 2500 और सेलिंग कॉस्ट 800। 2500 माइनस 800, 1700 आ गई एनआरवी। अब इन दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट, इसको हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट। ये आइटम डी की कॉस्ट है 1000, सेलिंग प्राइस 1500 और सेलिंग कॉस्ट 600, एनआरवी आ जाएगी 900। इसमें लोअर क्या है? एनआरवी, तो इसे हम वैल्यू करेंगे एनआरवी। और अभी आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब चारों को ऐड कर लें, इनका सम होगा क्लोजिंग स्टॉक ना, तो टोटल कितना बन रहा है? टोटल बताइए कहाँ गया, 48। टोटल कर लें 4890। ये क्लोथिंग स्टॉक आ गया हमारे पास 4890। बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में स्टॉक हम रिकॉर्ड करेंगे 4890। ठीक, क्लियर? कॉपी कर लें। क्वेश्चन टू का सॉल्यूशन आंसर टैली कर ले। फीफो से क्या आ रहा है? 720 और एफको में 683। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें अब देयर वर थ्री पेंटिंग्स इन इन्वेंटरी एट 30th नवंबर। ये पेंटिंग की बात हो रही है, तो पहले इसमें इसी तरह से टेबल बन जाएगा। क्वेश्चन 3, इसमें तीन पेंटिंग्स हैं। पहले का द फर्स्ट वाज बॉट एट कॉस्ट ऑफ 700, इट विल नीड टू बी रीफ्रेम्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 150, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 1000। क्या गई आपकी पेंटिंग वन? कॉस्ट है पेंटिंग वन की 700, एनआरवी क्या होगी? 1000 माइनस 150 कर 850, 750 आ जाएगी एनआरवी। दोनों में लोअर क्या है?
कॉस्ट लोअर है तो इसमें वैल्यू करेंगे 700। पेंटिंग टू बॉट वॉज सेकेंड वॉज बॉट फॉर 850। 850 कॉस्ट है। इट इज अ सर्टिफाइड ओरिजिनल वर्क बाय एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर आर्टिस्ट। अदर सिमिलर पेंटिंग्स बाय दिस आर्टिस्ट आर करेंटली सेलिंग फॉर ओवर 2500। तो ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 2000 और एक्सपेंस कोई नहीं है। ठीक है, इसको वैल्यू किस पे करेंगे? 850 पे, कॉस्ट पे, पेंटिंग 3। पेंटिंग 3 वॉज बॉट फॉर 900। के बाद एक सिमिलर कॉपीज आर करेंटली बीइंग सोल्ड फॉर 400 सेलिंग प्राइस हो गई। एनआरवी इसकी एनआरवी अच्छा अब 400 आप वैल्यू किस पे करेंगे? 400 लोअर पे एनआरवी पे। ये क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा। हम कर लेते हैं बन रहे हैं 1950 क्लोजिंग स्टॉक। सेम टेबल कॉपी करते हैं। जब इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं पी एंड क्यू। ठीक है जी, पी आ गई प्रोडक्ट पी और प्रोडक्ट क्यू। अच्छा अभी बताए प्रोडक्ट पी की कॉस्ट क्या होगी? ये है परचेज कॉस्ट 100। इसके बाद है डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर, डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, पैकेजिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। तो प्रोडक्ट पी की कॉस्ट क्या ले, 100 या कुछ ऐड करेंगे इसमें? अच्छा अब ये दो डिलीवरी कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर और डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर। तो सप्लायर का मतलब ये आपने कैरेज इनवर्ड हुआ आपका, परचेज के टाइम पर पे कर रहे हैं, और डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर ये आपके कैरेज आउटपुट हो गया। तब इसमें ये परचेज कॉस्ट में 100 में कुछ ऐड करेंगे या नहीं? 20 ऐड हो जाएगा, डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम कस्टमर कैरेज इनवर्ड ऐड होगा। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 120। अब एनआरवी कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है? 150। इसके बाद ये डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंस हो गया माइनस करेंगे, और पैकेजिंग कॉस्ट ये भी माइनस हो जाएगी। 22 और 15 कितना आ रहे? 113। अब इसमें लोअर क्या है? एनआरवी जैसे हम वैल्यू करेंगे एनआरवी। सेकेंड प्रोडक्ट पी, परचेज कॉस्ट है 200 और डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर 30 ऐड कर लेंगे, इसकी कॉस्ट बनेगी 230। अब सेलिंग प्राइस 300 माइनस डिलीवरी कॉस्ट टू कस्टमर 40 और पैकेजिंग कॉस्ट 18, एनआरवी 242। अब इन दोनों में लोअर क्या है? कॉस्ट लोअर है जिसमें वैल्यू कर लेंगे कॉस्ट। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारे पास, टोटल कर लें दोनों का 343 क्लोजिंग स्टॉक। कॉपी कर लें।
नंबर फाइव, फाइव में इन प्रोडक्ट्स हैं एबीसी, ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे, टेबल कॉपी करते हैं। इन प्रोडक्ट्स आ गए ए बी और सी। प्रोडक्ट ए की कॉस्ट बताएं क्या होगी। अच्छा, इसमें लास्ट में यूनिट्स भी दिए हुए, यूनिट्स हेल्ड, तो पहले हम ये करते हैं कि पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यूएशन कर लेते हैं, उसके बाद यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते हैं। तो अब प्रोडक्ट ए की कॉस्ट है 20, सेलिंग प्राइस 30, मॉडिफिकेशन टू इनेबल सेल्स नेल है, मार्केटिंग कॉस्ट 7। इसकी कॉस्ट क्या लेंगे, 20 होगी, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, कॉस्ट आ गई 20। अब इसकी एनआरवी क्या होगी, सेलिंग प्राइस है 30, माइनस करेंगे मार्केटिंग कॉस्ट, 30 माइनस 7, 23 एनआरवी। अब इन दोनों में लोअर क्या है, 20, अच्छा 230 लिख दिया मैंने, 23 एरर आ गया। ठीक है, और एनआरवी होगी इसकी 23। अब वैल्यू किस पे करें, कॉस्ट लोअर है, कॉस्ट पे वैल्यू कर लेंगे 20। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 9 और सेलिंग प्राइस 12, माइनस करते हैं इसमें से मॉडिफिकेशन कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, -2 -2, तो एनआरवी आएगी 8। दोनों में लोअर क्या है, 8, इसे वैल्यू करेंगे एनआरवी। प्रोडक्ट सी कॉस्ट है 12, सेलिंग प्राइस 22, माइनस करते हैं मॉडिफिकेशन कॉस्ट 8, मार्केटिंग कॉस्ट 2, -8 -2, 12 आ गया। इसमें ये लोअर क्या है, दोनों सेम है, तो 12 पर ही आप कौन सी लें, गुड क्वेश्चन, सही। अच्छा, ये तो हमने वैल्यूएशन कर ली पर यूनिट, अब इसके यूनिट भी गिवन है, प्रोडक्ट ए के यूनिट्स हैं 200, अब से 200 से मल्टीप्लाई कर लेते, 20 × 200 4000 आ गए, और प्रोडक्ट बी के यूनिट्स हैं 150, मल्टीप्लाई बाय 150 कितने 1200, और प्रोडक्ट सी के यूनिट्स हैं 300, मल्टीप्लाई करते हैं 300 से, तो ये 3600 आ जाए, सही, 3600। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 8800 आपका क्लोजिंग स्टॉक। Closing stock 8,800. Question number 6. अच्छा, the 6 है, Hero Limited sells one line of stock at the year end. At the year end have 200 units in stock which originally cost 10 per unit and had incurred delivery cost of 120 in total. They expect these goods to sell for 13 per unit. Hero Limited incurs selling cost 10% of selling price on all its sales. ठीक है, इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, सिंपल है, कॉस्ट कितनी होगी, परचेज कितने में कर रहे हैं, 200 यूनिट्स हैं, ओरिजिनल कॉस्ट है 10 पर यूनिट, 100 × 10 1000, और डिलीवरी कॉस्ट है 120 इन टोटल, 120 इसमें ऐड होंगे, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2120, इसकी कॉस्ट आ गई टोटल कॉस्ट। के बाद एनआरवी कैलकुलेट करते हैं,
सेलिंग प्राइस कितनी है? 13 पर यूनिट, तो 200 इंटू 13 2600। और सेलिंग एक्सपेंस कितने? 10%, इसका 10% 260 माइनस कर दें, एनआरवी आ जाएगी इसकी कितनी? 2340। इसको वैल्यू किस पे करेंगे? क्लोथिंग स्टॉक हम वैल्यू करेंगे कॉस्ट पे ना, कॉस्ट लोअर है, क्लोथिंग स्टॉक 2120। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक होगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टेस्ट के बाद फिर इसको। चलिए कंप्लीट हो गया है। अच्छा इसके साथ ही हैंड आउट तो हो गया कंप्लीट। अच्छा हाँ नहीं, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक वैल्यूएशन में कुछ मिस्टेक एरर भी हो सकती है ना? आ सकती है? नहीं आ सकती है। स्टॉक वैल्यूएशन में मिस्टेक एरर भी हो जाते हैं ना। अच्छा अब उसका इफेक्ट देख लेते क्या होता है। ये आपने एमए में पढ़ा भी होगा ना, ओवर स्टेट, अंडर स्टेट, ओवर कास्ट, अंडर कास्ट, कुछ पढ़ा है? कुछ पढ़ा है सर का? नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा क्या लिखा है? इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड ऑन प्रॉफिट एंड एसेट। पहले तो हम बात कर लेते हैं मेथड, ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे रॉन्ग वैल्यूएशन की। अगर एरर आ जाए तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा ना, अगर आपका स्टॉक ओवर अंडर हो जाए। पहले हम बात कर लेते हैं मेथड की। अच्छा देखिए इसमें अगर आपके प्राइस राइज हो रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूस, इन्फ्लेशन, फीफो मेथड से अगर आप इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे तो हाई होगी लो होगी? फीफो से आपकी इन्वेंट्री होगी हाई और एफको में इन्वेंट्री आएगी लो। अच्छा इन्वेंट्री हाई है तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगी, और स्टॉक हाई है तो आपके एसेट्स भी हाई हो जाएंगे क्योंकि बैलेंस शीट में क्लोथिंग स्टॉक लिखा जाता है ना, तो आपके एसेट्स भी क्या होंगे? हाई हो जाएंगे। और एफको में इसका अपोजिट हो जाएगा, स्टॉक लो है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाई होगी और स्टॉक हाई है तो प्रॉफिट लो हो जाएगा, और स्टॉक आपका लो है तो एसेट भी लो लो। नहीं समझते? क्लियर है या नहीं? बस ऐसे ही रट्टा है, लिख कर दिखाओ जी इधर। ठीक है तो देखिए ये चीज हमने अभी यहाँ क्वेश्चन से भी नोट किया ना, बल्कि ये एग्जाम्पल जो मैं दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल में सॉल्यूशन। अच्छा ये तो क्लियर है, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं फीफो से आपका स्टॉक हाई होगा लो होगा? हाई होता है ना, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो सस्ते आइटम सेल होंगे, महंगे आइटम बच जाते हैं। फीफो मेथड से आपका स्टॉक जो कैलकुलेट होगा वो हाई होगा,
और एफओ में लो। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो स्टॉक हाई है तो इससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, तो प्रॉफिट हाई हो जाएगा। स्टॉक हाई होने से एसेट आपके इस पे लो है, कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी, प्रॉफिट आपका लोअर होगा। और स्टॉक लोअर है तो प्रॉफिट भी आपके लोअर। अब क्या प्राइस आपके फॉल कर रहे हैं, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मार्केट वैल्यू कम हो, सस्ते होनी चाहिए। तो फीफो जब देखेंगे रेट आपके कम हो रहे हैं, प्राइस फॉल कर रहे हैं, महंगे आइटम सेल हो जाएंगे, सस्ते आइटम बच जाएंगे ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। महंगे आइटम सेल हो गए, सस्ते आइटम बचे, तो आपका स्टॉक क्या होगा, कम आएगा और एफओ में स्टॉक हाई हो जाएगा। ये चीज क्लियर। अब स्टॉक लो होगा तो इससे आपकी कॉस्ट, स्टॉक कम अच्छा तो सोल्ड मतलब ज्यादा वो कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। और स्टॉक लो होगा तो आपके करंट एसेट भी लो हो जाएंगे, कम है। अच्छा, एफको में स्टॉक हाई है, कॉस्ट आपकी कम हो गई मतलब स्टॉक ज्यादा बचा है तो सोल्ड कम हुआ लो, कॉस्ट लो होगी तो प्रॉफिट हाई हो जाएगा, और स्टॉक हाई आ रहा है तो एसेट भी आपके हाई हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये तो हो गया प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज के इफेक्ट, मेथड के इफेक्ट आ रहे। अब देखें, अब इधर आते हैं इंपैक्ट ऑफ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी ऑन फाइनेंशियल स्टेट। देखिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन में मिस्टेक भी हो जाती है ना, मिस्टेक एरर हो सकते हैं। अब क्या मिस्टेक हो सकती है, प्राइस आपने ज्यादा चार्ज कर दी है, प्राइस कम कर दी है, आपके यूनिट ज्यादा लिख दिए, आपने यूनिट कम कर दिए, एडिशन में मिस्टेक हो सकती है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट हो सकता है ना। तो अब इसका क्या इफेक्ट है, तो पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट यानी कि आपने टोटल करते हुए ज्यादा ऐड कर लिया, गलत ऐड किया, आपका स्टॉक क्या हुआ ओवरकास्ट। इस क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था 10,000, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 12,000 एरर की वजह से। अब एरर क्या हो सकता है, या तो आपने रेट ज्यादा लगा दिया, या आपने स्टॉक यूनिट ज्यादा क्या ऐड कर लिया, या फिर आपने एडिशन में कोई मिस्टेक। अब स्टॉक आपका क्या है ओवरकास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, कम होगी ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है आपका, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा बचा मीन सेल कम हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी। ये इस तरह रखे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवरकास्ट है तो ज्यादा अमाउंट माइनस करेंगे तो आंसर कम आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो जाएगी कम। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और स्टॉक आपका क्या है ओवरकास्ट, तो एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे जब तो वो ओवरकास्ट। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक अंडरकास्ट, स्टॉक आपने कम टोटल कम, तो कॉस्ट पे क्या फर्क आएगा, उस कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। देखिए स्टॉक कम बचने का मतलब सेल ज्यादा हो गया, कॉस्ट बढ़ गई, या कैलकुलेशन आप देखिए कैलकुलेशन क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब कम माइनस करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा ना, स्टॉक कम माइनस होगा तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, कॉस्ट ओवर कास्ट होगी तो प्रॉफिट अंडर कम हो जाएगा, स्टॉक अंडर कास्ट है तो बैलेंस शीट बनाते हुए एसेट्स में भी आपके अंडर कास्ट, एसेट्स भी कम आएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अब एक ईयर का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट, ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट, तो आप देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज है, ओपनिंग स्टॉक ओवरकास्ट है, परचेज में ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट ओवरकास्ट हो जाएगी और प्रॉफिट अंडरकास्ट। तो एसेट्स में कोई इफेक्ट, क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ओपनिंग नहीं लेते। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडरकास्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक अंडरकास्ट है, परचेज ऐड करेंगे तो आंसर भी कम ही आएगा,
कॉस्ट आपकी अंडर कॉस्ट होगी, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, और एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं ओपनिंग। अच्छा एक बार देख लो तो, इसकी मैंने शायद एग्जांपल लिखी हुई भी है, वो तो भी दिखा देता हूँ, तो उससे आपको और बेहतर समझ आएगा ठीक है, और अब तक इसका क्लियर हो। पहले क्या था, क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवरकास्ट, के इफेक्ट क्या आएंगे आप वो देख। सेल्स हमारी है 1 लाख, ये ओरिजिनल फिगर्स होगी, 1 लाख की सेल हमें की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक है 5,000, परचेजेस 50, क्लोजिंग स्टॉक 3, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डाल रही है आपकी 52,000, प्रॉफिट कितना होगा ठीक है, 1,00,000 - 52, 48। ये तो ओरिजिनल फिगर। अब पहला पॉइंट क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट, इसके क्या इफेक्ट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने किया ओवरकास्ट 500 से ओवरकास्ट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हुई तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। 1 लाख में से 51,500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट होने से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर स्टेट हो गई, प्रॉफिट आपका ओवर है। सही, ये डॉट में लिखा हुआ भी ये वाली, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अंडर कास्ट, प्रॉफिट क्लियर। अब अंडर कास्ट का इफेक्ट देखते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनल था 3,000, अंडर कास्ट किया हमने, कितने से रिकॉर्ड हो रहा है 2,005, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे क्या इफेक्ट आया, 52,000 से 52,500 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो गए, प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो गया कम। क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट होने से कॉस्ट ओवर कास्ट हो गई, प्रॉफिट आपका अंडर कास्ट। अच्छा ये तो बात हो गई क्लोजिंग स्टॉक की, अब ओपनिंग स्टॉक को देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट है तो कॉस्ट ओवर हो रही है, प्रॉफिट आपका अंडर कास्ट है, देखते हैं कैसे। ओपनिंग स्टॉक ओरिजिनल है 5,000, ओवर कास्ट किया हमने 6,000, रुपये ऐड करेंगे 3,000 माइनस के, तो कॉस्ट क्या हो गई, ओवर कास्ट हो रही है, कॉस्ट आपकी 52,000 से 53,000 हो गई ना ओवर, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा 48 से 47। ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर कास्ट हो गया, प्रॉफिट आपका अंडर कास्ट। तो रिवर्स करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अंडर कास्ट, ओरिजिनल 5,000 था, अंडर कास्ट हुआ 1,000 से 4,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर कास्ट हो गई, ओरिजिनल थी 52, अब आ रही 51, कॉस्ट अंडर कास्ट है तो प्रॉफिट ओवर कास्ट हो जाए। क्लियर। अच्छा ये इसके इंपैक्ट इफेक्ट हो गए, रॉन्ग वैल्यूएशन के ओवर अंडर कास्ट, और इससे पहले हमने बात कर दी मेथड्स की, ये मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया एग्जांपल, इसको आप लिखना हो तो घर जाके रिकॉर्डिंग देख के लिख लीजिए ठीक है, ये पूरी एग्जांपल यहाँ पर।